हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ये चैप्टर 10th है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका कोर्स के लिए भी, और जो कंपटीशन एग्जाम नीट वगैरह है उनके लिए भी है। चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें देखो, सबसे पहले अभी तक जैसे अगर मैं आपसे पूछूं भी कि भाई फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आप कहोगे कि भोजन बनाने की या फूड प्रिपरेशन की जो प्रोसेस है उसे अपन फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि ये चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल रखनी है कि सबसे पहले कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो फोटोसिंथेसिस बायोकेमिकल रिएक्शन है पहली बात, क्योंकि इसमें बायोलॉजी भी आ रही है और केमिस्ट्री भी आ रही है। फिर उसके बाद में अगर अपन अब यहाँ पर प्रोसेस या कोई डेफिनेशन आपसे पूछते हैं, तो ये डेफिनेशन क्या है कि इसमें रेडिएंट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है उस फोटोसिंथेसिस में हम क्या लेते हैं, सनलाइट, और वो सनलाइट किसमें बदल रही है, वो सनलाइट बदल रही है केमिकल, यानी कि ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रहा है, शुगर फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसलिए आप दूसरा ये कह सकते हो कि इट इज ए प्रोसेस इन विच रेडिएंट एनर्जी चेंज इन टू केमिकल एनर्जी। फिर उसके बाद में एक और केमिस्ट्री की है कि इट इज ए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते भी हो ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो जिन प्रोसेस में ऑक्सीजन ज्वाइंट हो रही है, जुड़ रही है, उसे अपन ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और अगर हाइड्रोजन जुड़ रही है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इट इज ए ऑल्सो नोन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको, अब आप पूछोगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वाटर का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको समझाओगे। फिर उसके बाद में अगर अपन इसकी केमिकल रिएक्शन देखें, तो केमिकल रिएक्शन से अपने को ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब देखो अगर इसकी केमिकल रिएक्शन तुम देखते हो, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन मैंने आपको दी है कि यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड + 6 H2O + सनलाइट चेंज इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से आ रही है, जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और सनलाइट, और जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसीलिए जो है सनलाइट को हम या फोटोसिंथेसिस को हम इसलिए अच्छा और मानते हैं क्योंकि इस प्रोसेस से क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। अब देखो नीचे भी आपको बड़ी अच्छी सी इसका डायग्राम दे रखा है, तो अगर आपसे पूछा जाता है तो यही चीज आपको केमिकली अगर आप इसको करते हो, तो ये आपकी कौन सी हो गई, इस तरीके से आप इसको करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको कितना अच्छा एक डायग्राम दिख रहा है कि किस तरह से लाइट आ रही है, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आ रहा है, और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को यहाँ पर चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ये पूरी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। अब इसमें अगर डेफिनेशन देखते हो आप, तो आपके बुक में रेविनोविच की डेफिनेशन दी हुई है। ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में इन्होंने यही कहा है कि ये पूरा का पूरा इसमें है जो वाटर है, उस वाटर जो है उसके थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू और लाइट के थ्रू ये पूरी की पूरी प्रोसेस यहाँ पर होती है। तो ये आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर देनी है। अब देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ थोड़ी सी हिस्ट्री दे रखी है। अब हिस्ट्री में फोटोसिंथेसिस में किन किन साइंटिस्ट ने जो है यहाँ पे काम किया या जो डिस्कवरीज हैं वो करी हैं, तो हालांकि जब अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें स्टार्टिंग से ही आएंगी। तो एक कुछ साइंटिस्ट के नाम है, जैसे वॉन हेलमंट है, प्रिस्टले है, इंजन हाउस है, मेयर, रूबेन कामन, कैल्विन। तो इस तरीके से जो है ये कुछ साइंटिस्ट के यहाँ पे नाम दे रखे हैं, और आपकी बुक में भी टेबल दे रखी है। तो इस टेबल में बहुत सारे नाम है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको कराऊंगी कि जैसे पहले दे रखा है स्टीफन हेल्स। ये जो स्टीफन हेल्स है, इन्हें
प्लांट फिजियोलॉजी का फादर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अपन ये जो अभी ये यूनिट पढ़ रहे हैं, और आपके बुक में जो यूनिट है ये दो, सेकंड और थर्ड, ये दोनों यूनिट आपके किस में आती है? फिजियोलॉजी में। तो फिजियोलॉजी के जो फादर हैं, वो फादर क्या है, कौन है? स्टीफन हेल्स। तो इसको इम्पोर्टेंट कर लेना। और इन्होंने ही बताया था कि जो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है उसमें, हालांकि उस समय तक जो है ऑक्सीजन या इस तरह की गैस वगैरह इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इन्होंने यही कहा था कि जो प्लांट है वो प्लांट वायु या एयर और लाइट की प्रेजेंस में ये काम करते हैं। फिर उसके बाद में जोसेफ प्रिस्टले, अब अगर केमिस्ट्री में आपको याद हो तो इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने इसमें एक चीज और कर दी कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन या एक लाइव गैस, उसे नाम दिया था, तो वो लाइव गैस निकलती है जो कि एनवायरनमेंट को क्या करती है, प्योर करती है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका है। फिर उसके बाद में इंजन हाउस, इनका भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, इनोंने बताया था एक तो लाइट का कि सनलाइट चाहिए इसमें, और दूसरा इन्होंने कहा था कि इस पूरे प्रोसेस में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, हालांकि ग्लूकोज नहीं बता पाए वो, उन्होंने कहा इन ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है सिंथेसिस होता है। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट है ब्लैकमैन। ब्लैकमैन जो है उन्होंने नाम से ही अपने को लग रहा है यहाँ पे, तो जो ब्लैकमैन है इन्होंने ये कहा था कि जो सनलाइट, ये जो प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस सन की प्रेजेंस में भी हो रहा है और सन की एब्सेंस में भी हो रहा है। तो इन्होंने फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो जो है लाइट रिएक्शन और एक है डार्क, जो लाइट होगी सनलाइट में और डार्क होगी एब्सेंस ऑफ सनलाइट यानी रात में। तो ये इनकी डिस्कवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में है नील और हिल, ये दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था, जैसे मान लो कि अपने को ये तो पता ही है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकल रही है, लेकिन ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है कि वाटर से हो रही है? तो इन्होंने जो है, जो नील हैं, उन्होंने तो केवल ये कहा था कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से निकल रही है, वाटर से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्हें ये लगता था कि कार्बन डाइऑक्साइड से ही ऑक्सीजन निकल रही है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, ले वो आपके कोर्स में नहीं है। फिर उसके बाद में जो रॉबर्ट हिल है, और उन्होंने इसको जो है अपने एक्सपेरिमेंट से पूरा बताया। इन्होंने क्या करा कि एक पॉट लिया और उस पॉट में रेडियो, जो आप पढ़ते हो ना आइसोटॉप्स वगैरह, तो इन्होंने ऑक्सीजन जो ली, कौन सी वाली? आइसोटॉप वाली, वैसे कितनी होती है, 16 होती है, लेकिन इन्होंने 18 ली, और जब बाहर एनवायरनमेंट में निकली तो वो भी कैसी थी, 18। तो इन्होंने कहा कि ये जो पानी हम दे रहे हैं, जो ये जो वाटर दे रहे हैं, वही वाटर बाहर यहाँ पर निकल रहा है, तो इस तरीके से इनका है। फिर उसके बाद में केल्विन है, आगे आप केल्विन साइकिल पूरा पढ़ोगे, केल्विन और हेसलेक। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स दो तरीके के होते हैं, C3 प्लांट्स और C4 प्लांट। ये इन्होंने किस में डिवाइड किए थे? फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग। C3 मीन्स जब कोई भी प्रोसेस में फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट अगर 3 कार्बन का बनता है तो ऐसी साइकिल को हम बोलते हैं C3, या जिसमें साइकिल हो रही है ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? C3 प्लांट्स। ये अभी आपके आगे जाके जो है डिफरेंस भी है तो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ अपन ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। और है सेलेक ने C4, यानी कि जो पहला प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन वाला बन रहा है, इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया? C4 प्लांट। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री अपनी कंप्लीट हो गई है। अब देखो अपने जो सबसे, हालांकि आप 11th में कर चुके हो, यहाँ पे अब अपने पास में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में कहाँ पे होता है, तो इसमें आपको सबसे पहले जो क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है, उसकी संरचना आपको करनी है। अब देखो जो लीव्स हैं, आपने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ ली कि उसके अंदर पर्ण मध्योतक होता है, और उस पर्ण मध्योतक यानी मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो एक सेल में लगभग
20 से 40 क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेंगे। अब इसमें अगर आप देख रहे हो तो दोनों तरफ आपको दो मेम्ब्रेन दिख रही है, चारों तरफ आउटर और इनर। ये दोनों जो है मेम्ब्रेन ये किसकी बनी हुई है, लिपिड और प्रोटीन की, यानी लिपो प्रोटीन। फिर उसके बाद में ये भी क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन्स हैं। और इनमें जो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी डिफरेंस भी आ जाता है कि क्या डिफरेंस है, तो जो आउटर है वो तो परमेबल है प्रोटोन के लिए, लेकिन जो इंटरनल है वो उसके लिए इम्परमेबल होती है, तो ये डिफरेंस कभी कभी आ जाता है। फिर उसके बाद में आप अंदर की तरफ देखो तो अंदर आपको जो जैसे अपने और सेल्स होती हैं उसमें साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी है, उसे अपन ने नाम क्या दिया है, स्ट्रोमा। और ये जो स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा के बीच में आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रही है ओवल शेप की, तो इसे हम बोलते हैं ग्रेना। ग्रेना जो वर्ड है वो वर्ड है आपका प्लूरल और इसका सिंगुलर होता है ग्रेनम। तो एक पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है वो है क्या, ग्रेनम। अब इसमें देखो यहाँ पे जो थैलकोइड है, आप देख भी रहे हो डायग्राम में, बिल्कुल जैसे अपने कॉइन जैसी स्ट्रक्चर होती है वो कॉइन जैसी स्ट्रक्चर है। और इसके अलावा जो स्ट्रोमा है, उस स्ट्रोमा में आपको राइबोसोम मिलेगा 70S वाला, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में यहाँ DNA मिलेगा, तो अगर आपने 11 में देखा तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों कैसे हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। इनको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनका खुद का अपना DNA होता है और ज़रूरत पड़ती है तो ये अपनी नंबर को बढ़ा सकते हैं। इसलिए चाहे क्लोरोप्लास्ट हो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, ये दोनों ही कैसे हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है कि अब अपन थैलकोइड की स्ट्रक्चर देखते हैं। अब थैलकोइड की स्ट्रक्चर ये देखो, थैलकोइड की स्ट्रक्चर है। अब इस थैलकोइड में आपको बहुत सारी कॉइन जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और अगर अपन इस एक कॉइन को निकालें तो इस कॉइन पे बहुत सारे छोटे छोटे से जो है पार्टिकल्स दिखेंगे, और वो पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, क्वांटासोम। अब ये जो क्वांटासोम है, ये क्वांटासोम जो है जो भी सनलाइट है उस सनलाइट को यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद में यहाँ पे मैं आपको क्वांटासोम की स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ये जो क्वांटासोम है, ये क्वांटासोम में ये जो इसमें जितने मैं आपको डेटा बता रही हूँ उस हिसाब से ही आपको इसे याद करना है कि इसके अंदर 230 तो होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में ए होते हैं 160 और 70 होते हैं क्लोरोफिल बी। उसके बाद में 48 होते हैं कैरोटीनॉइड्स, 46 होते हैं क्विनोन, 116 होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, और उसके अलावा कुछ एंजाइम्स वगैरह भी यहाँ पर मिलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखो जो थैलकोइड है, वो थैलकोइड जो लाइट है सनलाइट, और सनलाइट में भी 400 nm टू 700 nm ये जो है इस वेवलेंथ वाली लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये क्वेश्चंस में आती भी है, व्हाट इज PAR, ठीक है, पार इसे बोलते हैं। पार क्या होता है, तो पार यही है 400 टू 700 nm फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी इन रेडिएशन को जो है प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो उस हिसाब से आप इसको प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट अपन अब देखो, अपन नेक्स्ट जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, अपन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देख रहे हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इस प्लास्ट में कौन से पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट को आप थोड़ा सा दिमाग में रखो, कलर। तो जैसे जो लीफ है, वो लीफ आपको अधिकतर कैसी दिखती है, ग्रीन कलर की, क्योंकि आप सीधे कह देते हो क्लोरोफिल है। तो ये जो क्लोरोफिल है, ये एक तरह का क्या है, पिगमेंट। और इसके अलावा भी कुछ पिगमेंट्स हैं जो अभी अपन देखेंगे। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 types ऑफ पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिंस। तो सबसे पहले अपने पास में है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल में भी अगर आप देखो तो अपने पास में 7 types ऑफ क्लोरोफिल होते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन को दो ही डिस्कस करेंगे, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी।
बाकी होते हैं क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियो विरिडिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो इस तरीके से 7 है, लेकिन अपने को यहाँ पे 2 को ही डिस्कस करना है, और उसमें भी इम्पोर्टेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए। और इस क्लोरोफिल ए को अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल पिगमेंट यानी सार्वत्रिक वर्णक। ये सभी जो ग्रीन प्लांट्स है उसमें सब में आपको मिलेगा। अब जो क्लोरोफिल ए है उसके यहाँ स्ट्रक्चर देखो मैंने दे रखी है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर सबसे पहले रिचर्ड विल स्टॉल्टर स्टॉल हैंस फिशर इन्होंने 1912 में डिस्कवर की थी। अब ये जो है इस ये स्ट्रक्चर कैसी है, थोड़ी इसमें पोलरिटी है यानी कि पोलर मॉलिक्यूल है। और अगर आप वैसे देखो तो इसमें आपको ऊपर का भाग थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है जिसे हम हेड बोलते हैं, और नीचे थोड़ा सा लंबा पतला है जिसे हम क्या बोलते हैं, टेल। तो इस तरीके से हेड और टेल आपको दिखाई दे रहे हैं। जो हेड पोर्शन है वो हेड पोर्शन किसका बना हुआ है, पोरफायरिन रिंग। इसमें चार उस दिन मैंने जब आपको मैग्नीशियम कराया था तब आपको बताया था कि बीचों बीच आपको एक मैग्नीशियम मिलेगा, फिर चार आपको जो है यहाँ पे रिंग दिखेंगी। तो यहाँ पे चार आपको दिख रहे, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पोरफायरिन रिंग। फिर जो नीचे वाली आप देखते हो तो वो जो है उसमें उसे अपन क्या बोलते हैं, टेल। और ये टेल किसकी बनी हुई है, फाइटोल की, हाइड्रोकार्बन सी है इसमें। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आप याद भी करनी है आपको, 1 या 2 नंबर की पूरी ऐसी स्ट्रक्चर बनाने को आती है। अब अगर अपन इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला में क्लोरोफिल ए में है C55H72O5N4Mg। तो ये जो है ये इसका केमिकल फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। उसके बाद में थोड़ा सा डिफरेंस है क्लोरोफिल बी में। अब देखो ये दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो क्लोरोफिल बी की। अब क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए में अगर आप फॉर्मूले में देखते हो तो कार्बन 55 है दोनों में, लेकिन हाइड्रोजन क्लोरोफिल ए में 72 है जबकि क्लोरोफिल बी में 70 है। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन क्लोरोफिल ए में 5 है इसमें 6 है, N4 दोनों में सेम है, और Mg यानी कि यहाँ पर जो है एक वाटर मॉलिक्यूल कम है। और अगर बाकी आप स्ट्रक्चर देखते हो तो ऊपर देखो आपको एक ब्लॉक में दिख भी रहा है, अगर CH3 लगा हुआ है तो क्लोरोफिल ए है, और अगर CHO लगा हुआ है तो वो क्या है, क्लोरोफिल बी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं कि जैसे मान लीजिए, वैसे हम तो कह देते हैं क्लोरोफिल ए वो, लेकिन अगर एक्चुअली देखें तो क्लोरोफिल ए ब्लू कलर का होता है और क्लोरोफिल बी कैसे होता है, येलो कलर का। अब इसके बाद में सेकंड अपन करेंगे, अब सेकंड अपने पास में है कैरोटेनॉइड्स। अब ये जो कैरोटेनॉइड्स है, अगर आपको पता है कि गाजर को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैरेट, तो इसका कलर ऐसा होता है इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, कैरोटेनॉइड्स। और ये अक्सर जो है क्लोरोफिल के साथ में रहते हैं, और इसमें जो है अगर आप देखो तो इनकी जो डिस्कवरी है, ये डिस्कवरी किसने की थी, बैकन रोडर ने, ठीक है ना, 1831 में, और सबसे पहले गाजर में देखा था इसलिए इन्होंने इसको नाम दिया। अब इसके भी अगर अपन टाइप देखें तो यहाँ पर जो है अपने को 2 टाइप्स दिखेंगे। इसमें देखो पहला है कैरोटीन। अब ये जो कैरोटीन है, ये कैरोटीन अगर अपन इसका फॉर्मूला देखते हैं तो C40H56 है, और ये मैंने इसलिए आपको इसका एक एग्जांपल दिया ताकि आपको याद रहे, इसका एग्जांपल है लाइकोपिन। और लाइकोपिन जो है टमाटर में या टमेटो में बहुत ज़्यादा, बाकी अल्फा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन है, तो ये इसमें मिलते हैं। उसके बाद में जो अब देखो इसमें दूसरा है जैंथोफिल, और जैंथोफिल का मैंने आपको एक एग्जांपल दे रखा है बीटा कैरोटीन गाजर वाला। तो ये जो है इसका अगर अपन फॉर्मूला देखते हैं तो C40H56O2, और ये कैसा आपको बिल्कुल दिख रहा है, येलो ऑरेंज कलर का होता है और गाजर में मिलता है, तो ये बीटा कैरोटीन है। अब देखो अपने पास जो थर्ड
टाइप है वो है फाइकोबिलिन्स। अब ये जो फाइकोबिलिन्स हैं इनमें भी ये सबसे ज़्यादा कलरफुल होते हैं। इसके भी दो टाइप हैं, फर्स्ट है फाइको एरिथ्रिन, ये देखो फाइको एरिथ्रिन होता है रेड कलर का, और आपने 11 में रेड रोडोफाइसी एल्गी वगैरह पढ़ी है तो उसमें ये ज़्यादा मिलता है। इसका सेकंड टाइप है फाइकोसाइनिन, और ये किस में मिलता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में। तो आज अपने पास में जो है अपन ने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस इंट्रोडक्शन कर लिया, हिस्ट्री कर ली, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कर ली और क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर कर ली। तो आज अपने लिए इतना बहुत है, ठीक है, ओके, थैंक यू।